छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालोसुरे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये मेरे पर्सनल हीरोज हैं। ये मेरे हीरोज हैं जिनके बारे में मैं हर दिन सोचता हूं। मैं सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त में इन ये हीरोज के बारे में नहीं सोचता हूं, हर दिन सोचता हूं। लाइफ में हमारे भी काफी स्ट्रेस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो हम लोग एक आदर्श ढूंढते हैं लाइफ में। तो मेरे लिए ये आदर्श है। जब भी मैं इनके बारे में सोचता हूं मेरे पर्सनल जिंदगी में, मेरे पर्सनल कठिनाइयों में, तो मेरे प्रॉब्लम सिर्फ 2 सेकंड के लिए रहते हैं। अगर मैं शहीद भगत सिंह के बारे में बात करूं, 23 साल की उम्र में, मैं तो फिर भी 42-43 हूं, 23 साल की उम्र में एक 23 साल का इंसान पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को पूरा हिला के रखा था 23 साल के एक इंसान ने। तो ये आदर्श हमारे यूथ को होना चाहिए आज। यही आदर्श हर दिन इनके बारे में पेरेंट्स को हर दिन इनके बारे में पाठ करना चाहिए, जिसे कहते हैं मेंटल फीडिंग। ये हीरोज को हर दिन हम करना चाहिए। आज भी मेरे 2 छोटे बच्चे हैं 4 साल के, तो मैं मेरी वाइफ को, क्रांति को, यही डेली कहता हूं, ये यूट्यूब वगैरह ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, जब तक खाना खा रहे तब तक ठीक है, लेकिन हर दिन इनको स्टोरी सुनाई है इन हीरोज की, सो दैट ये बड़ा कि यही सोचे, उनके बारे में ही सोचे। खाकी ग्रहण करूंगा या फिर हरा यूनिफॉर्म ग्रहण करूंगा, तो यही दो ऑप्शन थे मेरे पास में। तो जब मैं 10 या 11 साल का था, तो मेरी माताजी बहुत चिंतित थी, बहुत टेंशन था मेरे माताजी को कि इसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। तो उस चिंता के कारण मेरी माताजी ने मुझे एक मेडिसिन दी, जिसका नाम मुझे अभी भी याद है। आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। तो 10 साल की उम्र से 42 तक मुझे अभी भी एक ही मेडिसिन का नाम याद है, जिसका नाम है ब्राइटा काब। तो वो मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद में, और वो काफी टेस्टी भी थी, यू नो इट वाज वेरी स्वीट एंड काफी टेस्टी थी वो, तो एक साथ मैं 5-6 मेडिसिन गल्प कर लेता था। एंड देन सडनली, इनफैक्ट आई सॉ रिजल्ट्स माइसेल्फ ऑल्सो, कि उस एज दौरान 10 से 12 साल की उम्र में, फिर बाद में मेरी हाइट में काफी, यू नो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस ऑल्सो, हाइट काफी ग्रोथ में तेजी आ गई। तो ये मैं एक पर्सनल उदाहरण हूँ होम्योपैथी मेडिसिन का। काफी इंटरेक्शंस मेरी होम्योपैथी डॉक्टर से बीच में, जब मैं एनसीबी का जोनल डायरेक्टर हुआ करता था, उस दौरान भी काफी इंटरेक्शंस होती थी, क्योंकि देश में, आज हमारे देश में जो सबसे मेजर इशू है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय होम मिनिस्टर साहब बार बार एक चीज का एम्फेसाइज करते हैं, जिसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। और जो नार्कोटिक्स का ट्रेड है, ये काफी बड़ा नंबर वन दुश्मन बन के हमारे देश के सामने आज आया है। जो प्रेजेंट जेनरेशन है, जो 30% यूथ है हमारे देश में, तो उनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है नार्कोटिक्स ट्रेड का। टेररिज्म भी है, नार्को टेररिज्म भी है, जो विदेश के जो एनिमिकल कंट्रीज हैं हमारे देश में डेलिबरेटली ड्रग्स भेजते बड़े पैमाने पर, टू डिस्टेबलाइज आर इकोनॉमी, टू डिस्टेबलाइज आर यूथ पॉपुलेशन। तो ये जैसा कि मुंबई, चेन्नई, महाराष्ट्र में पुणे, बैंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, इन जैसे सिटीज में ड्रग का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इनिशियली 10 साल पहले या 20 साल पहले जो ट्रेडिशनल ड्रग्स हुआ करते थे, जैसा कि चरस, गांजा, अफीम, हशीश, तो ये थ्रेट हुआ करता था। लेकिन अभी जो पिछले 5 या 6 सालों में हम देखते हैं, एक नया एनिमी उभर के आया हमारे देश के सामने, जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, जैसा मेटेम्फिटेमाइन, मेफेड्रोन, एलएसडी, एफिड्रिन, केटेमाइन, कुछ प्रीकर्सर एलिमेंट्स, तो ये ज्यादा से ज्यादा यूथ को आजकल यू नो प्रभावित कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो ड्रग्स परचेस होते हैं, ये ड्रग्स परचेस होते हैं रूटीन मैनर में नहीं, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा और डार्क वेब के द्वारा। एवरीबडी माइट बी नोइंग अबाउट दिस काइंड ऑफ अनहोली फिनोमिनन। और ये देश में हमारे फॉरेन से आते हैं, यू नो यूरोपियन कुछ देश हैं, कुछ नॉर्थ अमेरिकन देश हैं, हु प्रोड्यूस दिस और मैन्युफैक्चर दिस काइंड ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स। तो उसमें जो ट्रेडिशनल यू नो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, तो उसका ज्यादा हमें भी ज्यादा उसके बारे में नॉलेज था, ड्रग्स लाइक मेथेडोन एंड ऑल दोस थिंग्स जो डी एडिक्शन के काम आते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आज
जो होम्योपैथी मेडिसिन्स ने जो डेवलपमेंट देखा है, वॉट एवर अलॉट मेनी मेथड्स, जैसा इग्निशिया मेडिसिन है, सल्फर है, जो मुझे आइडिया है जिस बारे में, सो मैं ये चाहूंगा कि और भी जितने भी एंटी ड्रग फोर्स में या लॉ इन्फोर्समेंट में हम लोग, हमारे जैसे अधिकारी काम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ऑल्टरनेट मेडिसिन का भी प्रचार करें, फॉर टू थ्री रीजंस जो मेरा पर्सनल मानना है. नंबर वन, इट इज वेरी चीप ऑल्सो, नंबर वन. नंबर टू इज जो साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स को भी ये इट हैंडल्स दैट. और थर्डली इज क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट्स ऑफ द ड्रग एडिक्ट. तो ये तीन पॉइंट्स को अगर लेके अगर आप इसे ज्यादा प्रचार करें, तो मुझे लगता है कि इट कैन कम आउट एज अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर द ड्रग एडिक्ट. रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस मंच पे कि नीतीश भाई, आपने जैसा ये एक एक फंक्शन इतने बड़े पैमाने पे आपने रखा है, तो ये मोर एंड मोर और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रेगुलरली आप कीजिए, सो दैट अवेयरनेस बढ़े, पब्लिक में अवेयरनेस बढ़े द इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स. एंड सेकेंडली, होम्योपैथी मेडिसिन्स कैन बी यूज फॉर डी एडिक्शन. ये ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है, ड्रग कंज्यूमर्स को भी, पेरेंट्स को भी, और हमारे जैसे अधिकारियों को भी. हमें नहीं पता कि यू कैन यूज होम्योपैथी ऑल्सो एज अ कारगर वेपन अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन. अपार्ट फ्रॉम मी बींग अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड यू बींग इन टू होम्योपैथी एंड मेडिसिन, डॉक्टर्स काफी हैं मुझे पता चला है. अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट होम्योपैथी मेडिसिन ऑल्सो, मैं आपसे सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा इस मंच पे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं नहीं, तो मैं आपसे काफी इलिटरेट हूं इस इस भाग में. लेकिन आई वुड लाइक टू से टू थिंग्स. जैसा कि मैंने आपसे कहा है, द इफेक्ट ऑफ नार्को टेररिज्म. तो जब भी आप कोई पेशेंट्स के साथ डील करेंगे, अपार्ट फ्रॉम गिविंग मेडिसिनल हेल्प टू देम ऑल्सो, काइंडली आप उनसे ये भी इंटरेक्ट कीजिए आपके माध्यम के द्वारा, कि हम जब पैसे खर्चा करते हैं ड्रग्स परचेज करने के लिए, बच्चे हैं या एडिक्ट, तो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, अपने वाइसेस को, अपनी बुरी आदतों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, हम देश के विरोध भी काम कर रहे हैं, देश के विरोध गतिविधियां कर रहे हैं. क्योंकि जो पैसे से ड्रग्स खरीदा जाता है, तो वही पैसे से ये हवाला के या इलीगल चैनल के माध्यम से बाहर के देशों में जाता है, जो हमारे देश के विरुद्ध काम करते हैं, और वही पैसे से हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे, हमारी मिलिट्री पे, हमारे आर्मी पे, हमारे देश के विरुद्ध गतिविधियां करने के काम आते वही पैसे. तो ड्रग कंजम्पशन में जो पैसे यूज होते हैं, दैट इज कंप्लीटली एंटी नेशनल. तो ये आप कहिए कि आप आपके शरीर को हार्म करने के अलावा देश को भी हार्म कर रहे हैं, नंबर वन. नंबर टू, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी पेरेंट्स आपसे आते हैं, पेरेंट्स आपके पास में आते हैं अपने इलाज करने के लिए, उनके बच्चों का इलाज करने के लिए, डी एडिक्शन के लिए, तो आप उनको ये भी बताइए कि किस प्रकार के आइडल, किस प्रकार के आइडल हम हमारे बच्चों को देते हैं. आज के जेनरेशन में सोशल मीडिया, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, जो हमारे लाइफ में आज के टाइम पे काफी प्रभाव करते, प्रभावित करते हमारे बच्चों को, तो इससे दूर रखिए. हमारे देश में इनको एक नेशनल हीरोज की आइडिया इनकलकेट कीजिए. रही बात कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ होम्योपैथी, मुझे जितना नॉलेज है बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बीइंग एन आईआरएस ऑफिसर, के अभी भारत सरकार ने जैसा कि आयुष को प्रमोट करते, तो आयुष में होम्योपैथी का भी काफी एक इंपॉर्टेंट योगदान है. तो एटलीस्ट एक पहल स्टार्ट हुई है कि ऑल्टरनेट फॉर्म, हाउ द गवर्नमेंट टेक्स इट सीरियसली. और भी मैं चाहूंगा कि और भी रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा बाकी के भी जहां से फंडिंग्स आती है, लीगल फंडिंग्स आती है, गवर्नमेंट की फंडिंग्स आती है, कि मोर एंड मोर होम्योपैथी को प्रमोट किया जाए, बिकॉज ऑफ विच मोर कॉम्पिटेंस एंड नो साइड इफेक्ट्स. पहल स्टार्ट हुई है, आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन को मोर एंड मोर अभी प्रोत्साहन मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिल रहा है. बट आई वुड रिक्वेस्ट प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो, अलॉन्ग विथ लॉट मेनी गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो, टू मोर एंड मोर प्रमोट होम्योपैथी मेडिसिन. आपसे बात करके काफी, मुझे इंटरेक्ट करके, कल रात से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ काफी होम्योपैथी डॉक्टर से, काफी अच्छा लगा. मेरी भी नॉलेज काफी बड़ी है होम्योपैथी के बारे में, अपार्ट फ्रॉम ब्राइडा कार्प.
तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, ऑल द बेस्ट टू यू, वंदे मातरम। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।